हेलो दोस्तों, अरमान इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बोर्ड की वायरिंग घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ मेरे दोस्तों ने मुझसे कमेंट्स करा था कि इस तरह का बोर्ड बनाइए जिसमें कुछ एक्स्ट्रा स्विच हो और इंडिकेटर भी हो और फ्यूज़ भी हो। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मैं बोर्ड की वायरिंग करना बताऊँगा। इसमें एक किटकैट फ्यूज़ है, ये एक इंडिकेटर, दो सॉकेट और ये आपके 6 स्विच हैं। इसमें हमें दोस्तों करना ये है कि हम इस स्विच से ये सॉकेट करेंगे और इस स्विच से ये सॉकेट, बाकी जो हमारे 4 स्विच रहेंगे हम उसको एक्स्ट्रा आपको कनेक्शन करना बताएंगे कि किस तरह से आप एक्स्ट्रा पंखा, कूलर या बल्ब वगैरह एक्स्ट्रा किस तरह से चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ दोस्तों, जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। और मेरे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमें करना ये है कि दोस्तों, सबसे पहले हम ये जो देखिए किटकैट फ्यूज़ है, ठीक है, सबसे पहले हमें दोस्तों किटकैट फ्यूज़ में हम फेस देंगे। ठीक है, इसमें हम फेस देंगे। देखिए वाइट कलर का मैंने इसे ले लिया फेस। और दोस्तों इस बात का अक्सर ध्यान रखें, जब भी आप वायरिंग करें तो 1 से 1.5 mm तार का करें या कोई अच्छा तार लें, जिससे कि आपका तार भी ना जले और सॉकेट भी ना जले। ठीक है, देखिए ये मेरा किटकैट फ्यूज़ है। सबसे पहले मैंने किटकैट फ्यूज़ में नीचे वाले पॉइंट पे फेस दे दिया। ठीक है, ये दे दिया। अब मैं जो भी वायरिंग करूँगा इसके ऊपर वाले पॉइंट पे फेस को काटते हुए करूँगा। ठीक, और दोस्तों अभी मुझे करना ये है कि सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे मैं फेस काट के क्या दूंगा, ये 6 स्विच को दूंगा और इंडिकेटर को दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए मुझे क्या करना था। ठीक है दोस्तों, स्विच में मैंने देखिए स्विच से मुझे फ्यूज से काट के मुझे ये करना है कि सब स्विचों में फेस दे देना है और इंडिकेटर में। मैंने इस स्विच में देखिए पहले से ही कनेक्ट कर दिया है। देखिए फ्यूज से मैंने काट के फेस इस स्विच, ये देखिए दोस्तों मैंने क्या करा, ये वाइट वाला फेस लिया सबसे पहले किटकैट फ्यूज में। फ्यूज से फिर मैंने फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट से स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे, ठीक है, ये देखिए फेस दे दिया मैंने इंडिकेटर को, डायरेक्ट चलेगा इंडिकेटर भी। ठीक है, और यहीं से मैंने स्विच के ऊपर फ्यूज से फेस काट के ये दे दिया इन तीनों स्विचों को। अब दोस्तों मुझे करना ये है, अब मुझे करना ये इस वाले स्विच से इस सॉकेट करूँगा, इस वाले स्विच से इस वाले सॉकेट को। ये देखो इस वाले स्विच से मैंने फेस काट के दे दिया सॉकेट को, इस वाले स्विच से मैंने फेस काट के दे दिया इस सॉकेट को। अब इस वाले स्विच से फेस काट के इस वाले सॉकेट को लूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने स्विच से फेस काट के इस वाले सॉकेट को दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं देता हूँ बोर्ड में न्यूट्रल। ये देखिए मैंने नीले कलर का ही न्यूट्रल ले लिया है। ठीक,
ठीक है दोस्तों, अब मैं देता हूँ सॉकेट में। ठीक है, इस सॉकेट में न्यूट्रल दे दिया मैंने। अब मैं यहीं से इस वाले सॉकेट दे दूंगा और यहीं से मुझे जो सॉकेट ये इंडिकेटर को भी न्यूट्रल देगा, इंडिकेटर भी न्यूट्रल फेज दोनों चाहिए होता है, तो इंडिकेटर को भी न्यूट्रल मैं दे दूंगा यहीं से। ठीक है, इंडिकेटर को न्यूट्रल दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये दिए और यहीं से मैंने इस वाले सॉकेट को दे दिया। ठीक है, और यहीं से मैंने इंडिकेटर को दे दिया। ठीक है दोस्त, ये वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आइए मैं आपको बताता हूँ इसमें एक्स्ट्रा कनेक्शन आप किस तरह से करोगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने होल्डर ले लिया है, इसमें दो तार हैं न्यूट्रल फेज, इसे बल्ब में पंखे में किसी भी तरह से ऐसी कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें करना ये है मेरे दोस्तों कि इसमें मैंने जहाँ पर ये नीले कलर का न्यूट्रल है वहाँ पर मैं न्यूट्रल कर दूँगा। देखिए न्यूट्रल कर दिया मैंने। ठीक है, अब जो ये फेस रह गया है तो ये देखिए छः ये स्विच है आपके, एक ये एक्स्ट्रा स्विच है और ये तीन ये एक्स्ट्रा स्विच है हमारे। ठीक है, तो हम अगर इसमें से कनेक्शन मान इस वाले स्विच से हम कनेक्शन देते हैं तो हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से जो खाली पॉइंट है वहाँ से देखिए स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से मैंने फेस काट दिया। मैंने ये ताकि यहाँ पर जो फेस इसको दूंगा मैं स्विच को इस वाले स्विच से देना है तो ऊपर वाले पॉइंट फेस काट के दे दूंगा। आइए दोस्तों मैं इसे आप चेक करके बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, मैंने बोर्ड में करंट दे दिया है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब जो स्विच का मैंने करेक्शन करा था ये देखिए, इस वाला स्विच बल्ब भी जल रहा है। ठीक, मैं ये भी अभी आपको सॉकेट भी चेक कर बताऊंगा। ये देखिए मैंने स्विच का जो कनेक्शन था ये जल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, सब बंद कर लिए। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको अब और सब इसी तरह से दोस्तों जब कोई भी कनेक्शन करेंगे एक्स्ट्रा तो हमें न्यूट्रल न्यूट्रल की जा देना और जो हमारे स्विच में स्विच के ऊपर वाला पॉइंट है फेस काट के हम इसमें दे देंगे किसी में भी कनेक्शन करके। ठीक है, मैंने ये तार यहाँ लगाया, इस वाले स्विच से कनेक्शन करना था दोस्तों। आइए दोस्तों मैं आप आपको सॉकेट चेक करके बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो को जिस भाई ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।